तो देहरादून पहुंचे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने अल्पसंख्यक छात्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए ठोस प्रयास कर रही है। इंद्रेश कुमार ने सभी मदरसों के मदरसा बोर्ड में पंजीकरण की बात भी कही। इन्हीं मुद्दों को लेकर जी मीडिया संवाददाता ने बात की इंद्रेश कुमार से। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार जी देहरादून पहुंचे हैं और यहां पे जो अल्पसंख्यक कल्याण भवन है वहां पे इन्होंने वृक्षारोपण किया है। सर, किस तरह का मैसेज देने की कोशिश है आपकी? ऐसा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पूरी दुनिया और हिंदुस्तान यह साफ सुथरा रहे, अस्वच्छ ना रहे, पेड़ बचे, पानी बचे, पेड़ लगे और साथ में और प्लास्टिक से बचें और दूर रहें, इसका एक अभियान चलाया है। सारे देश में 5 लाख पेड़ इस साल में लगाएंगे और हजारों हजार लोगों की जिंदगी का मिशन बन जाए। हर खुशी के पर्व पर और अच्छे पर्व पर वो पेड़ लगाकर उसको सेलिब्रेट करें सर। और इसी के साथ साथ वह पर्यावरण युक्त, प्रदूषण मुक्त उत्तराखंड, हिंदुस्तान और दुनिया बनाने में सहयोग करें। तो इसलिए आज बहुत बड़े भाग्य की बात है, मदरसा शिक्षा परिषद के आंगन में, अल्पसंख्यक आयोग के आंगन में इसकी शुरुआत हो रही है। अब यह लाइफस्टाइल बने, मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोग इसका अपना लाइफस्टाइल बना लें ताकि प्रदूषण से और गंदगी से मुक्ति के लिए सतत काम होता रहे, सतत संघर्ष होता रहे। महिला सशक्तिकरण की बात की सर आपने, खास करके मुस्लिम महिलाओं को लेके, हलाला, तीन तलाक और ये सब जागरूकता आप कोशिश करेंगे कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जाएगा महिलाओं के बीच में, उनको जागरूक करेगा, जिस तरह की बात आप संबोधन में कर रहे थे अपने। ऐसा है, महिला सशक्तिकरण हो, मजहबे इस्लाम में कहा गया है कि माँ के कदमों में जन्नत है, बाकी सब धर्मों में भी ये कहा गया है कि जहाँ नारी की इज्जत होती है वहाँ इंसानियत और फरिश्ताई निवास होता है। हलाला, तलाक, ट्रिपल तलाक ये गुनाह और जुल्म है, इसलिए इस जुल्म से निजात मिले। मजहब के लोगों ने भी सोचना चाहिए गुनाह ख़त्म हो और सरकार इस पर कानून बना रही है, सब पार्टियों ने कानून बनाने में मदद करनी चाहिए। मुस्लिम मंच ने कुछ प्रोग्राम सोचे हैं, एक ये कि तलाक ख़त्म हो और निकाह कबूल हो, अगर गलती से दूरी हो गई है तो इस पूरे हिंदुस्तान में 100 से अधिक सुलह केंद्रों की चेन बनाई जाएगी। उत्तराखंड में भी सुलह केंद्र खुल गया है, लखनऊ में भी खुल गया है, ऐसे ही मुंबई में भी खुल गया है, काशी में भी खुल गया है, जगह जगह वो खुल रहे हैं ऐसे सुलह केंद्र। एक साल में अभी तक 200 से अधिक केस निपटाए जा चुके हैं और तेज गति से सुलह केंद्रों की चेन बनाना। दूसरा, लड़कियां उनके निकाह में मदद देना ताकि निकाह धूमधाम से हो और उसके अभाव में वो पीड़ा नहीं सहे, तो सामूहिक निकाह और निकाहों में मदद करना इसकी भी एक शुरुआत की है। सर, चलते चलते एक आखिर सवाल कि बहुत सारे मदरसे सर ऐसे हैं जो मदरसा बोर्ड के अधीन नहीं होते हैं और एक ऐसा ही मदरसा उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हमने देखा जहां असलहे बरामद हुए, असलहे वहां बेचे जा रहे थे। क्या सर ऐसे मदरसों पे जो एफिलिएटेड नहीं है मदरसा बोर्ड से, उन पे सर कैसे नज़र रखी जा सकती है? ऐसा है, मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा, मौलाना, मौलवी, हाफिज, आलिम लोगों से भी कहूँगा, जिन मदरसों में गलती से और शैतान मिलता है उनके प्रति जागरूक हो और कार्रवाई करवाएं ताकि इस्लाम, मुसलमान, मदरसा बदनाम नहीं हो और वो बेदाग होकर नए हिंदुस्तान को बनाने के काम में जुटे। सरकार कानून बनाए, पंजीकरण का कानून सब पर प्यार से लागू हो। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक इंद्रेश कुमार, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर जी मीडिया से बात की और खास करके
जो अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का खाका खींचा गया है उनको लागू करने की जो कवायद चल रही है उसकी जानकारी इंद्रेश कुमार ने जी मीडिया को दी।